मुखिया जी अभी वर्तमान में हैं जी, किस तरह के व्यक्ति हैं वो? हाँ, व्यक्ति तो ठीक, बहुत खतरनाक है व्यक्ति, ठीक नहीं है, खतरनाक है। हाँ, अच्छा, अभी तक इतना हो गया है, घूम कर झांकी नहीं मारा। झांकी नहीं मारा, पूछिए सवाल को सभी को, झांकी नहीं मारा है, मर गया जी है। सब सबका हालत खराब है, खाना किसी को नहीं देता है, सब मिल के ऐसा घोटाला कर रहा है, सब बैठ के खाना का भी घोटाला कर रहा है। हाँ, खाना का नहीं कर रहा है, बच्चा मान के चलो हम लोग जाएंगे तो खाने नहीं मिलेंगे, एकदम रात दिन भाते दाल खिलाएंगे, भाते खिचड़ी खिलाएंगे। खाना रात में आके आप रात में बनेगा ना, तो आदमी गिन लीजिएगा जो क्या आदमी खाता है और क्या आदमी देख लेगा। आप रात में यहाँ आइएगा ना, हम रात में, आप रात में वीडियो बनाइएगा। आप सही से खाना नहीं देता, तीन महीना तो भाग गया, तीन महीना हमसे कोई पुछारो कर नहीं, मर गया कि जी अच्छा वोट लिए सरकार तक ठहरा है, देखे ला बस सरकार मरल। खाना मिलता है सो ऐसा भैंस नहीं खाता है, तैसा मिलता है खाना, हाँ भैंस वाला खाना है, जा करके चेक कीजिए ना। टोली में तो मार मार के दौड़ता है, हमको गैस है, पाई नहीं है, कहाँ किधर काम करेगा, इधर बस दो सीधे गाली नहीं दीजिए, यही बात हम कह रहा है, दुख देता है, खाइए देखे भाग यही यहाँ से, जहर दीजिए उसको, जहर खा कर सब लोग पब्लिक चले जाएगा, मरे जाएगा। कहना है जो व्यवस्था सही कीजिए यार, नहीं तो जहर दे दीजिए, हम लोग खा करके मर जाएंगे, इतना दर्द में यहाँ के लोग हैं। निकाल लिया होगा आपने, जो अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, उनके द्वारा क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है, ये तो आपके पास एक लिस्ट होगा, या कोई भ्रष्टाचार नहीं किए? नहीं, भ्रष्टाचार की बात कहिएगा तो लिस्ट इतना है जो शायद आपकी एक घंटे के रिकॉर्डिंग में भी समाप्त नहीं होगी। आप हमको संक्षिप्त में बता दीजिए। हाँ, संक्षिप्त में हम बता सकते हैं कि कहाँ सच्चाई बताइएगा। नहीं, एकदम सच्चाई है, सच्चाई ये है कि मेरे पास इंदिरावास की भी रिकॉर्ड है, मेरे पास 13वीं, 14वीं, 15वीं वित्त आयोग के भी रिकॉर्ड है, नहीं मेरे पास आपका ये शौचालय योजना जो चला है उसकी भी रिकॉर्ड है, नहीं ये सारे रिकॉर्ड हम प्रिंट करके ऑनलाइन रखे हुए हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर मोरवा प्रखंड का सारंगपुर पश्चिमी पंचायत है यह। इस पंचायत में कुल 11 वार्ड है और यहाँ के मुखिया है बड़े लाल सहनी। जी हाँ, यहाँ के मुखिया है बड़े लाल सहनी। भारी बहुमत से इस पंचायत की जनता ने इन्हें अपना मुखिया चुना था, परंतु ये अपनी जनता के भरोसे पर कितना खड़ा उतरे हैं, यह सब जानने के लिए मैं सारंगपुर पश्चिम पंचायत की जनता के बीच पहुंच गया हूं। इस दृश्य को देखते ही दो लाइन मुझे याद आ गया है, पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है। जी हाँ, पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, गरीबों के घाव का नासूर बन जाता है। दूसरी लाइन है, कुदरत की बेबसी में फंस गया इंसान, कुदरत की बेबसी में फंस गया इंसान, कहीं बाढ़ कहीं सूखे में मर गया इंसान। जी हाँ, यही सच्चाई है यहाँ की, चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, यह बारिश नहीं बाढ़ का पानी है जनाब। नून नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ का पानी गांव में आ गया है। सारंगपुर पश्चिमी पंचायत का 2, 5 और 9 वार्ड के लोग बाढ़ से प्रभावित है, आधा तो ऐसे ही जनता परेशान दिख रही है इस पंचायत की, परंतु जनता से जानना जरूरी है उनके जनप्रतिनिधियों ने उनके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है।